अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक सीक्रेट रेमेडी बता रही हूँ और ये आप में से रोज़ यूज़ करना है और आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको ग्राम फ्लोर बताया था दानों के लिए, वैसे मैं आपको ग्लोइंग स्किन के लिए, नीट एंड क्लीन स्किन के लिए बता रही हूँ। और ये आपने अपने मतलब कि सिंक पे, सिंक के पास अपने इसको स्टोर करके रख लेना डब्बे में, और रोज़ इसको जो है ना अपने पानी के साथ बना कर उससे मुंह धोना है आपने अच्छी तरह। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजी हैं और बहुत फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। और जिनकी शादी होने वाली है या जो चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे, तो आप इसको 2 से 2.5 महीने रेगुलर यूज़ करें तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, ये खासकर ग्लोइंग स्किन के लिए, जो चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे और जो हमारे दाग धब्बे हैं फेस में वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, तो ये उसके लिए है। मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले ये मेरे पास कोकोनट पाउडर है, नारियल का पाउडर है, ये मैंने बाज़ार से लिया हुआ है। आप भी इस तरह नारियल का पाउडर ले सकते हैं, और अगर आप इसे चाहें तो उससे भी ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं। ये 1 चम्मच जो है हमने कोकोनट पाउडर लेना है। उसके बाद 1 चम्मच ही मैंने चावलों का आटा लेना है, ये बिल्कुल हम वजन ले लिए दोनों चीज़ें। और उसके बाद आपने इसके अंदर ओट्स पाउडर लेना है। जो ओट्स पाउडर है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब आप चाहे तो इसको गुलाब के साथ बना लें, चाहे तो इसको पानी के साथ बना लें रोज़। मतलब कि अगर आप हफ्ते में 3 मरतबा यूज़ कर रहे हैं तो आप दही के साथ यूज़ करें, और अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो इसको पानी के साथ यूज़ करें, गुलाब के अर्क के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पानी के साथ ही बना रही हूँ इसको। आपने इसको पानी के साथ बना लें या दही के साथ बना लें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। ये देखिए, आप हथेली में ले इसको, ये देखिए ये पेस्ट मैंने इसका बना लिया। आपने भी इसको ऐसे ही सुबह के टाइम जब आपका फेस वॉश करना है तो आपने इसको ऐसे ही हथेली में डालना है और इसको पानी के साथ ऐसे पेस्ट बना लेना है। जो ओट्स है वो आपकी स्किन की क्लिंजिंग भी बहुत अच्छी करता है, और आपके जो है ना स्किन पे नीटनेस बहुत लेके आता जो है ना वो आता है। और अगर आप इसको डे टाइम किसी और टाइम यूज़ करें तो आप इसके अंदर दही और हनी और लेमन ज़रूर यूज़ करें, और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल पानी से भी बना सकते हैं। अब इसको यूज़ ऐसे करना है, ये देखिए इस पेस्ट को हाथ पे लेके फेस पे आपने अच्छी तरह इसका मसाज करना है फेस पे। चाहे तो आप इससे इसे बारीक भी कर सकते हैं, मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया क्योंकि मैंने इसको एक ऐसा स्क्रब भी हो जाएगा और ये ज़्यादा क्लिंजर भी होगा, ये 3 इन 1 है, और इसको बाद में मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन इसको आपने रोज़ रेगुलर यूज़ करना है। देखिए जो मैंने आपको बॉडी पॉलिशर बताया था, आप उसके बाद वो करने के बाद इससे यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसका आपने सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करना है अच्छी तरह। आपने इसका सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, फेस पे भी आपने इस तरह ही मसाज करना है, और कम से कम 2 मिनट आपने इसको छोड़ना है ताकि ये आपकी स्किन पे अच्छी तरह जो है ना आपकी स्किन को नीट कर सके। अब आपने पानी लेना है और पानी के साथ इसका जो है वो मसाज करना है। जो ओट्स हैं वो आपकी स्किन को बहुत डीपली क्लीन करेंगे और आपके पोर्स को नीट करेंगे, ब्लैक हेड्स और जो वाइट हेड्स हैं वो दूर करेंगे। जो राइस फ्लोर है वो आपकी स्किन पे जो है टाइटनेस लेके आएगा और आपकी स्किन को वाइट ग्लो देगा। कोकोनट जो है वो भी आपकी स्किन को वाइट ग्लो देगी। अभी मैंने टाइम बहुत कम मसाज लगाया किया, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि कैसा आएगा। ये देखें ये हाथ मेरा कितना ड्राई है और कितना डल लग रहा है, ये मेरा हाथ देखें, आप इसमें ग्लो देख सकते हैं कैसा है। जब आप इसको रेगुलर बेस पे फेस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी आहिस्ता आहिस्ता। आप जब इसे रेगुलर यूज़ करना, ये ना हो कि आप मुझे 2 दिन बाद ही मुझे कमेंट में करें हमारा फेस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ग्लो नहीं आया।
जो होम रेमेडीज होती है उनको जब तक रेगुलर ना किया जाए उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है। सो व्यूवर्स, आप मेरी इस टिप को ज़रूर यूज़ करें, ये बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं और फेस पे इसको रेगुलर यूज़ करना है। और फेस पे रोज़ ज़्यादा सख्त हाथ से जो है वो मसाज नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हैंड से करना है। और अगर आप चाहें तो इसको मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और सो व्यूवर्स, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पेज को लाइक करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।